हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूजीसी नेट ज्ञान कंप्यूटर साइंस। आई एम ज्योति बुधवार। आज हम डिस्कस करेंगे एचटेट एग्जाम से रिलेटेड। जैसा कि बार बार स्टूडेंट्स को इस दिन का इंतजार था कि एचटेट एग्जाम कब आएगा, तो वो तो आप लोगों का आ ही चुका है, डेट अनाउंस हो चुकी है। कल भी आप लोगों के साथ मैंने एक छोटी सी अपडेट जो है शेयर की थी। आई होप आप लोगों ने वो क्लास देखी होगी। फर्दर अगर आप में से कोई भी स्टूडेंट चैनल पे न्यू है, देन चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ में बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले, ताकि आपको सारी क्लासेस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। उसके साथ ही मैंने पेड कोर्स से रिलेटेड भी आप लोगों के साथ एक छोटा सा डिस्कशन करना है। कुछ स्टूडेंट्स को इश्यू था अमाउंट से रिलेटेड, तो उन सभी स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम का भी सॉल्यूशन निकाल लिया गया है। तो क्लास में लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। आई होप ये क्लास आप सभी स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है। तो अगर हम बात करें एचटेट 2021 यानी कि एचटेट 2021 एग्जाम की अगर हम बात करें, तो कल ही ऑफिशियल अपडेट आई है। 18 और 19 दिसंबर को आपका एग्जाम होना है। 18 और 19 दिसंबर, इसमें से अगर हम बात करें अपने एग्जाम की, जो कि पीजीटी कंप्यूटर साइंस का है, वो रहेगा आपका 18 पीजीटी कंप्यूटर साइंस 18 दिसंबर को आप लोगों का एग्जाम जो है कंडक्ट हो जाएगा। और विद इन वन मंथ आपको आपका क्वालिफाइड सर्टिफिकेट भी मिल चुका होगा, लेकिन वो क्वालिफाइड सर्टिफिकेट उन्हीं स्टूडेंट्स को मिलेगा जो कि 90 प्लस मार्क्स स्कोर पर कर पाएंगे, अच्छी मेहनत करेंगे। अभी आप लोगों के पास इतना टाइम है कि आप जो है अच्छे से प्रिपेयर करें, सारे सब्जेक्ट्स को रिवाइज कर सकते हैं। अगर अभी तक कोई स्टूडेंट को ऐसा है कि मैंने नया पढ़ना रहता है, तो वो भी पढ़ सकता है, क्योंकि रिवीजन के लिए लास्ट के अगर आप 15 दिन भी लेंगे तो भी आप आराम से सारा सिलेबस कवरअप कर पाएंगे। 10 से 15 दिन लास्ट के रिवीजन के छोड़ लो, उससे पहले आप जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा न्यू भी पढ़ सकते हैं, कॉमन पोर्शन पे भी फोकस रख सकते हैं। और अगर हम बात करें आपके एप्लीकेशन फॉर्म की, तो एप्लीकेशन फॉर्म जो है आपके 15 यानी कि कल से स्टार्ट हो जाएंगे। 15 से 25 नवंबर तक आपके एप्लीकेशन फॉर्म रहेंगे, यानी कि कल आप लोगों के एप्लीकेशन फॉर्म पोर्टल जो है ओपन हो जाएगा। जैसा कि बार बार स्टूडेंट्स को था कि मैम हमारे एडमिट का हमारा जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो प्रोसेस नहीं हो रहा, तो उसको वहां पे जब 10th ऑफ नवंबर को नोटिफिकेशन आई थी, उसके बाद उस प्रोसेस को वहीं पे रोक दिया गया है। और अब दोबारा से एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट होंगे 15 तारीख से 25 नवंबर तक। 3 दिन का आपको करेक्शन का टाइम दिया जाएगा, 26, 27, 28 नवंबर को, और फिर उसके बाद आपका 18 दिसंबर को एग्जाम हो चुका होगा। तो जिन स्टूडेंट्स को अमाउंट का इश्यू था और वो स्टूडेंट पेड क्लासेस का बेनिफिट लेना चाहते हैं, पेड क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं, तो उन सभी के लिए जो है एक बहुत अच्छा अपडेट है, जो कि 50% ऑफ दिया गया है। 50% आप लोगों को डिस्काउंट मिलेगा, जो हमारा प्राइस है उसके ऊपर आप लोगों को 50% डिस्काउंट मिलने वाला है। यानी कि जो कोर्स 8000 का था वो आपको 4000 में मिलेगा, जिसमें कॉमन पोर्शन 4000 रुपीज में आपको कॉमन पोर्शन और सब्जेक्टिव पोर्शन दोनों चीजें आपको यहाँ पे मिलने वाली है, कॉमन पोर्शन प्लस सब्जेक्टिव पोर्शन। और अगर आप अकेला सब्जेक्टिव पोर्शन चाहते हैं, तो वो कोर्स हमारा 6500 का था, जो कि 3250 रुपीज में आपको कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट मिलेगा। तो जो भी कोर्स आप लोग लेना चाहें वो कोर्स आप परचेज कर सकते हैं। और कोर्स की जो एक्सेस टाइम पीरियड है वो रहेगा आपका जिस दिन एग्जाम होगा तब तक, यानी कि 18 दिसंबर तक आप लोगों का एक्सेस टाइम पीरियड रहेगा, जब तक आप लोग जो है अपनी अच्छी खासी प्रिपरेशन करके और आप अपना एचटेट क्वालिफाई कर चुके होंगे। ये एक लास्ट मौका है आपको एचएसएससी पीजीटी स्क्रीनिंग में बैठने का, क्योंकि अगर इस बार एचटेट नहीं कर पाए तो फिर आपको वही 1 साल के लिए वेट करना पड़ेगा एचटेट के लिए, और फिर पता नहीं क्या पता उससे पहले आपका स्क्रीनिंग एग्जाम हो चुका होगा। तो आप लोगों के लिए एक अच्छा गोल्डन चांस है इस एचटेट का। इस एचटेट को ये ना समझें कि अब नहीं हुआ तो चलो कोई बात नहीं अगली बार कर लेंगे, ऐसा नहीं है। अब ये जो कोर्स है, ये कोर्सेज अवेलेबल हैं जीडीसीसी ऑनलाइन क्लासेस एप्लीकेशन पे। जीडीसीसी ऑनलाइन क्लासेस एप्लीकेशन पे आपको ये कोर्स मिलेंगे, जिसके अंदर आपको फर्दर कॉलम मिलेगा टीजीटी पीजीटी कंप्यूटर साइंस। टीजीटी पीजीटी कंप्यूटर साइंस फोल्डर में जाके आपको
फर्दर सब फोल्डर मिलने वाला है एचटेट पीजीटी कंप्यूटर साइंस ओनली कंप्यूटर या फिर विद कॉमन। तो जो आपको सही लगे, अगर आपकी कॉमन पोर्शन की अच्छे से तैयारी है, सब्जेक्टिव में दिक्कत है तो आप सब्जेक्टिव ले, अगर आपको दोनों सब्जेक्ट्स पढ़ना है कॉमन भी सब्जेक्टिव भी, तो फिर आप दोनों को परचेज कर सकते हैं और अपनी तैयारी को आज से अभी से ही स्टार्ट कर सकते हैं। उसके साथ ही अगर मैं बात करूं कि आप लोगों को क्या क्या मिलेगा इस कोर्स में, कोर्स की एक्सेस टाइम पीरियड तो आपका एग्जाम टाइम तक रहेगा, जिस दिन आपका एग्जाम होगा उसके बाद आपका एक्सेस टाइम पीरियड क्लोज कर दिया जाएगा। लेकिन इस कोर्स के अंदर जो है आप लोगों को अभी तक जो क्लासेस हो चुकी हैं, अभी तक जो क्लासेस हो चुकी हैं उन क्लासेस को आप रिकॉर्डेड एक्सेस कर सकते हैं। जो डेली शाम को क्लास होती है उसको आप लाइव एक्सेस करेंगे। बीच बीच में आप लोगों के डाउट सेशन भी लिए जाते हैं, स्टूडेंट्स के साथ डिस्कशन भी किया जाता है और साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराए जाते हैं हर एक सब्जेक्ट के, और कुछ मेरे खुद के बनाए हुए एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज आपको वहां पे देखने को मिलते हैं जैसे ही एक सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाता है। और जितने भी नोट्स होते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन या जो भी कंटेंट मैंने कराया है उसको आपको पीडीएफ नोट्स में वो भी आप लोगों को प्रोवाइड कर दिया जाता है, ठीक है। तो ये सब चीजें आप लोगों को एक ही कोर्स में मिलने वाली है, जहां पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको 2016 से लेके 2020 तक के एग्जाम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिलेंगे, एचटेट के तो मिलेंगे ही मिलेंगे, साथ में जो भी पीजीटी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं लाइक B++B, KVS, NVS, APS, इन सभी एग्जाम के क्वेश्चंस भी आप लोगों को वहां पे देखने को मिलेंगे। अब बात आती है कितना सिलेबस रहता है, कितना सिलेबस आपको अभी आगे करना होगा। तो जो सिलेबस की जिसकी आपको एज अ रिकॉर्डेड मिलेंगी, हमारा डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स कंप्लीट हो चुका है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम कंप्लीट हो चुका है, एसक्यूएल कमांड्स हो चुकी हैं, डेटा स्ट्रक्चर कंप्लीट हो चुका है, एल्गोरिदम कंप्लीट हो चुका है, और उसके बाद ऑपरेटिंग सिस्टम हो चुका है, HTML की एक क्लास रहती है ये भी मोस्ट ऑफ हो चुका है, और कंप्यूटर नेटवर्किंग हमारा अभी चला हुआ है, कंप्यूटर नेटवर्किंग अभी चला हुआ है। और इन फ्यूचर जो आगे क्लासेस होंगी जिनको आप लाइव एक्सेस कर पाएंगे वो क्लासेस रहेंगी हमारी, एक तो कंप्यूटर नेटवर्किंग चला हुआ है ये होगा, और फिर उसके बाद सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर, जिसके अंदर हम कंप्यूटर फंडामेंटल की हर एक टर्म को डिस्कस करेंगे, एंड देन एमएस ऑफिस का कंसेप्ट, एमएस ऑफिस, इंटरनेट, इसके अंदर एमएस वर्ड, एमएस पावर पॉइंट, एमएस एक्सेल, ये सारे पॉइंट्स यहाँ पे कवर कराए जाएंगे। इंटरनेट से रिगार्डिंग बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर में आपका कंप्यूटर की जनरेशन से रिलेटेड, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, मेमोरी से रिलेटेड और एब्रीवेशन से रिलेटेड, जो भी पॉइंट्स मतलब जहां से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो सभी पॉइंट्स आप लोगों के यहाँ पे कवर अप कराए जाएंगे। और लास्ट में आपका C++, और अगर टाइम बचेगा तो एक बार कुछ दिन लास्ट में 1 वीक के अराउंड आप लोगों की मैराथन क्लास रखी जाएंगी, ताकि आप लोग सभी सब्जेक्ट को एक क्लास में, एक क्लास के लिए एक सब्जेक्ट के लिए एक क्लास रखी जाएगी, ताकि एक सब्जेक्ट को आप एक ही क्लास में कवरअप कर पाए। आई होप ये सारा डिस्कशन आप सभी को पसंद आया होगा, और अगर आप में से अब भी कोई भी स्टूडेंट कोर्स परचेज करने के लिए इंटरेस्टेड है तो यू आर मोस्ट वेलकम। फर्दर अगर किसी स्टूडेंट की किसी भी कोर्स से रिलेटेड या किसी टॉपिक से रिलेटेड कोई भी डाउट रहता है तो आप या तो टेलीग्राम चैनल पे अपनी क्वेरी ड्रॉप कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल है UGC नेट ज्ञान कंप्यूटर साइंस। या तो आप अपनी क्वेरी टेलीग्राम पे ड्रॉप करें या फिर आप इस फोन नंबर पर फोन करके पूछ सकते हैं अगर कोर्स से रिगार्डिंग कोई भी क्वेरी है, 9467744466, कि आपको जो है 50% डिस्काउंट किस तरीके से मिल सकता है उसके लिए आप यहां पे बात करें। और फर्दर अगर किसी टॉपिक में, किसी क्वेश्चन में, कहीं पे भी किसी सब्जेक्ट में कोई डाउट है कोर्स से रिलेटेड, या किसी आप पेड स्टूडेंट हैं या फिर आप फ्री स्टूडेंट हैं तो भी कहीं पे कोई डाउट है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर आप टेलीग्राम को ज्वाइन करके टेलीग्राम पे अपनी क्वेरी ड्रॉप कर सकते हैं। आई होप ये सेशन आप सभी को पसंद आया होगा।
इसी तरीके से आप लोगों के लिए इन फ्यूचर क्लासेस आती रहेंगी। तब तक के लिए सभी स्टूडेंट्स को थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट। इसी तरीके से अपनी प्रिपरेशन करते रहें और इस बार आपको अपना एस्टेट क्वालिफाई करके रहना है। सो थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।